जरा से नफे के लालच में किस्तों का बंदोबस्त कर दिया। अगर साल छह महीने और जिंदा रहूं तो नहीं नहीं, अब मुझसे ये नहीं होगा, है ना? बस तीन महीने का टाइम और दे दो। हाँ, तीन महीने? नहीं नहीं, मालिक नहीं मानेंगे। अरे बड़ो, तीन महीने की तो बात है, जरा ये भी संभाल ले और मैं भी थोड़ा माल वाल उड़ा लूं। अरे जा जा, तू साले मेरे ही बाग से माल उड़ाएगा और इसीलिए मुझे जिंदा रखेगा। ओ देख, पेड़ पे रस्सी लटका रखी है ना, बाड़ में जा सब, मैं आज ही मरूंगा। अरे नहीं नहीं, उसके रुपए खाकर जीता जाऊं ये मुझसे नहीं होगा। नाना ऊंचा बढ़ाऊ, शर्म है भूल के थोड़े ही पी गया। नाना बढ़ाऊ, अरे किस खींचा तानी में पड़ गया। अरे ये साला बगल में बहुत दबाए खड़ा है और ये साला नारियल इन दो हराम खोरों के खातिर किस खींचा तानी में पड़ गया रे। ए बेटा लूटार, अरे खाना परोस दिया है अंदर, खाया नहीं बेटा। ए लूटार, खाली पेट गटगट पानी ना पी बेटा। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और फिर मैं तो पीछे लगी ही हूँ ना। अरे क्या पीछे लगी हो, अब तक 40 लाख जैसी मामूली रकम तक तो निकलवा नहीं पाई और कहती है कि पीछे लगी हूँ। तो और कैसे पीछे लगूं, दोनों टाइम बराबर कोच रही हूँ कि छोटन और लोटन हमारे जुड़वा बच्चे हैं और जुड़वा बच्चों को चोट पहुँचाना ठीक बात नहीं है ना। अच्छा, क्या कह रहे हैं आपके पति देव? अब कह रहे हैं अभी बहुत काम है, इसी महीने एक मछली सप्लाई का ऑर्डर लेना है। अब बार बार रुपए रुपए की रट ना लगाओ, ये भी कहूँ इतने काम से दिमाग ठिकाने रहता है भला? अरे दिमाग ठिकाने रहेगा कैसे, उसकी जमीन, उसका किसी का बागीचा। अरे ये आदमी नहीं है, ये वैम्पायर है, वैम्पायर। हाँ, मुझे भी लगता है कि तेरे बाबूजी ना एक वैम्पायर ही है। हाँ। वैसे वैम्पायर का क्या मतलब? वैम्पायर का मतलब होता है खून चूसने वाले। हाय माँ, किस शब्द का क्या माने? अरे मुकदमा, जमीन जायदाद इस सब में मशहूर रहता है तो क्या बुराई है इसमें? जुजुदे को भोले भाले आदमी को भी बुरा भला कहते रहते हो तुम लोग। वैम्पायर एम्पायर, जो जहाँ हो सके ना बस धूता जा रहा है इन्हें। हाँ हाँ, दूर आऊ। अरे पैसे क्या ऐसे ही ले रहा हूँ, 40 लाख के 40 करोड़ वापस आएंगे, ये खबर भी है तुम्हें? हाँ हाँ, जरूर वापस आएंगे, हाथी घोड़े खड़े होंगे दरवाजे पर। तेरी सात पुरखों में भी कोई इस लाइन में नहीं गया, पता है कुछ? हाँ हाँ पता है पता है, वो छह कौड़ी वो डंडा घुमाता था और ये नौ कौड़ी आपके पति देव ये दाव पेज घुमा रहे हैं। अरे मुंबई जाकर देखा है जरा, आजकल तो सभी जमींदार जोतदार के बेटे ही फिल्म में पैसा डाल रहे हैं और वंश में तो कल्चरल साइड के नाम पर कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या चला? छोड़ा प्रोड्यूसर सुअर। अरे हाँ हाँ, प्रोड्यूसर सुअर ही होता है लेकिन सर प्रोड्यूसर कहते हैं। तो तुम्हारा बेटा प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। बिनती दी को प्रॉमिस करके आया हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर 40,000 लेकर आऊंगा। क्यों रे, ये बिनती कौन आ गई? अब चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं, कौन है बिनती? बिनती बिनती यह बिनती, ये लो इसे आपने उनका दिखाना। हाय माँ, कितनी सुंदर झुमकी है ये कंगन, हाय, और ये हार क्यों रे, ये सब सोने का है? ए बाप रे, धत्तरी की, सब सोने का है लेकिन मैंने तुम्हें ये तस्वीर क्या सोना तोलने के लिए दिखाई है? अरे एकदम हीरोइन है, हीरोइन टॉप का माल है, नंबर वन स्टार, और बिनती दी की जुबान पर बस एक ही नाम, माय डियर लोटन, माय डियर लोटन। जल्दी यहाँ आने वाली है? हाँ हाँ आएगी ही, क्यों ना आए, सुसुरी ने ढेर सारा पैसा नहीं देखा तेरी जेब में। चल अनपढ़ अनकल्चर,
गांव में रहकर सब अदब कायदा फाड़ में झोंक दिया। बिनती के यहाँ आने पर तुम अपने पीर जाके रहना। देख लौटन, बार बार लौटन कहने की जरूरत नहीं है। अमिताभ कौड़ी नहीं कह सकती क्या? हाँ, हाँ, नहीं कह सकती। जब कह सकती है ना, उसी के पास जाकर आओ। चूल्हे में गए सबके सब। अरे मैंने कहा सुनती हो? चूल्हे में गए सबके सब। अरे चुप भी हो जाओ, क्या हुआ? क्यों क्यों चुप हो जाओ? तुम्हारे होते हुए ये मूजना मुझे कहे पीहर जाकर आओ। भिंडी दी आ रही है। भिंडी? भिंडी का पहाड़? चुप हो जाओ। अरे क्या तुम्हारे लोटा? अरे मत रो, मत रो, मत रो। अरे अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे मत रो। अरे 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 चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ। मेरा छोटा ऐसा तगड़ा तड़ंगा हुआ देखकर आंखें ठंडी हो जाती है और ये। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हो रहा है सब? मेरे रुपए दे दो, मैं चला जाऊं। तुम लोगों की बेशर्मी मुझसे देखी नहीं जा रही। अरे माँ बाप को बेशर्म नहीं कहते बेटा, बेशर्मी की है तभी तो तू। अरे तभी तो को गट्ठर बांध कर ले जा सकता है और ग्रैंड होटल में ले जाकर फूंक सकता है। और वैसे भी अभी मेरे पास रुपए नहीं है। What? हाँ, जब तक बगीचा मेरे हाथ में नहीं आ जाता मैं किसी और तरफ नजर भी नहीं डाल सकता। अंकल चल। घटिया लड़का, इसके कपड़े बपड़े, इसका चाल चलन सब घटिया, लूज कैरेक्टर। कमीने। लूज कैरेक्टर। ये ग्लास कौन इस्तेमाल कर रहा था? वही मुंह जला पानी पी रहा था। ये पानी है? बाप का माल माँ के सामने बैठकर उड़ाया जा रहा है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आजकल की शिक्षा का नतीजा। क्या होगा रोने से, क्या होगा? बैठ लग, हमें तो ऐसी औलाद होनी ही नहीं चाहिए थी। जुड़वा है जी। सुनते हो जी? क्या है जी? ये बुढ़िया कब मरेगा जी? अब ये अगली पूरन मासी तक। फिर तो ज्यादा देर नहीं है। अरे हाँ, बूढ़े में रेजिस्टेंस पावर है ही नहीं। रेजिस्टेंस पावर क्या होता है जी? अरे वही जो तुम में ज्यादा है। मुझमें क्या ज्यादा है? जरा मैं भी तो सुनूं। ये पीछे मेरे अंदर जरा कम है। सुनते हो जी? क्या है जी? कल ना मैंने एक सपना देखा। क्या सपने ना पटा बन गया था। अरे सपने देखा करो। अरे ऐसे ही सपनों से तो काम बनता है और सपने ही तो हकीकत में बदलते हैं। और तुम्हारे जब बाबूजी थे ना, मेरा मतलब ससुर जी, खूब पटाखे लगाकर हंस रहे थे। अरे हंसने की तो बात ही है, इस बगीचे की मिल्कियत मिल जाना कोई आम बात है? दो पुश्तों से खींचतानी चल रही थी, अब जाकर खत्म हो जाएगी। अजी खत्म तो पहले ही हो जाती, होने नहीं दी उस पद्मा रानी ने। अजी बुढ़ा तो उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह था। हाँ आजकल सारी मेरा माल खा खा कर अनार कली बनी हुई है। सरा नहीं आती, न तो वहाँ की है। बेटा भिंडी दी और बाप अनार कली। अरे तुमसे तो दिल खोलकर तो बात करना भी मुश्किल है। रहने दो, रहने दो। अरे मर, तू मर, मुंह जली नाक पीटी इतना खा रही है फिर भी तेरा पेट नहीं भरता, जो नजर अब इन पे मेरे पति पे अटकी है। खबरदार, खबरदार जो उस तरफ कुछ भी किया तो नहीं चाहिए बागीचा। बागीचा आज ही कचहरी जाकर सब कुछ खारिज करवा दो। है सब कुछ खारिज करवा दूं? इतने पैसे खर्च हो गए मेरे, अब खारिज करवा दूं है? अरे घटिया औरत, तुम्हारे ये कपड़े वपड़े, तुम्हारा ये श्रृंगार बंगार और तुम्हारा ये समोसा सब दो कौड़ी का। अरे लूज कैरेक्टर। Oh!
गांव का भूत, गांव का भविष्य, गांव की हील उज्जत सब कुछ युवा पार्टी करेगी, लेकिन तब तुम्हारे कानों पे जू नहीं रहेगी। वो बादशाह के मरने के बाद दे दूंगा। क्या तुमने समझ क्या रखा हमारी युवा पार्टी को? युवा पार्टी को एक गिद्ध है या फिर कोई पल्चर है कि कौन साला कब कहां मरेगा ये देखने के लिए आसमान में चक्कर काटते रहेगी? मैं अल्टीमेटम दिए जा रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर डिमांड फुलफिल ना हुई तो बाबा तार अपना बना दूंगा। ओ माँ समोसा ही खाती रहेगी, समझा रहे अपने स्वाद को, वरना खामो खामे तो विधवा हो जाएगी। एक लड़का कल्चरल साइड देख रहा है, दूसरा पॉलिटिकल साइड, दोनों ही घटिया और दोनों ही लूज गेम। अरे गोविंद, अरे ओ गोविंद, अरे तू नहीं रे डॉक्टर गोविंद, अरे गोविंद, ओ गोविंद, गोविंद, अरे इस गांव में कितने गोविंद है यार। तू ऐसा करियो अपने बेटे का नाम भी गोविंद ही रखियो। अब जा, अबे मैं डॉक्टर गोविंद की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर गोविंद की। अरे गोविंद, अरे जाते समय टोक दिया ना। अरे तू कौन सा उसके पास जा रहा था है? जा देखो बस चक्कर लगाना। अरे देखिए भाई साहब अभी बहुत बिजी हूँ, जा रहा हूँ कॉल पर जा रहा हूँ। अरे रुक, रुक रुक रुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे जाने तो भाई साहब, उधर बाछा का पानी की हालत बहुत खराब है। किसकी किसकी? अरे छाती बलगम से जकड़ी पड़ी है। बाछा राम, अरे गोपी का भी पहले बुलाने आया था, जाऊं जरा देखूं क्या है। अरे रुक रुक रुक, ए जी। क्या है जी? अरे सुनती हो जी? क्यों जी? अरे आखिरी सफर की तैयारी कर लो। हाय भैया, क्या हुआ? छाती पर मालिश कर रही हैं, उधर बाछा राम की छाती जकड़ी है। ओ, तो ये करो ना। अब जाकर मेरी जान में जान आई। अच्छा ठीक है भाई साहब मैं चलूँगा। तूने कहा पेशाब में एल्युमिनियम है, तूने कहा दोनों कितनी खराब है, तेरे भरोसे बैठा रहा और अब तू चला है रोगी की जान बताने। अरे तो ना जाऊँ। अरे क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कहना पड़ेगा तुझे। अरे भाई साहब जाने दीजिए। अरे रुक 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 रुको, रोना रोना, अरे अरे रोना थोड़ा शुरू हो गया। रोने की सी आवाजें आ रही है। बुड्ढा गया, बुड्ढा गया, गया। अरे बुड्ढा गया। रुक 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 रुक, हाँ तूने वो पोपा की आवाज सुनी? हाँ मैंने सुनी साफ साफ। हाँ मेरे पेट से आ रही है। ओ, कल मैंने वो शलगम की सब्जी खाई थी ना, वो हजम नहीं। तू ऐसा कर, मेरा शलगम नहीं, मेरा पेट चेक कर। अरे भाई साहब क्यों खामखा रोक रहे हो, मुझे जाने दो। अरे मैं तुझे कॉल दे रहा हूँ, मेरी बीमारी बीमारी नहीं है क्या? तू ऐसा कर, मेरा प्रेशर दे। अरे क्यों रोक रहे हो भैया, जाने दो, उधर हालत खराब। कितने कितने पैसे देगा तुझे वो किसान का पट्टा? 30, 40, 50 ना, हम 51 देंगे। हाँ। अरे तो 1 रुपए के लिए एक आदमी को मार डालो। अरे डॉक्टर रे, अरे तेरे हाथ में खुजली नहीं हो रही? नहीं हो रही? अरे तेरे जैसे काउंटर पास डॉक्टर वो रोज एम्स में। हाय राम, ये लड़की तो वकीलों के भी कान काटते हैं। जी बिल्कुल, वकीलों के साथ पद्मा का बड़ा हेल मेल था। वकीलों नहीं तो उसके बाप को वो उधर ठेके पर पहुंचाया था। लिखा पड़ी हुई है बादशाह कपाली के साथ, ये तुम दोनों बीच में कहां से आ टपके? जी मैं उनकी सगी बेटी का बेटा, एंड शी इज माय मैरिड वाइफ। जी साइकिल, किस कृपयों से साइकिल लूंगा? साइकिल जी, प्लान किया है गुड़ की बेलिया को साइकिल पर लाकर ट्रिंग ट्रिंग शहर ले जाके बेचूंगा। साला मुझे बैंक समझ रखा तूने, मैं तुझे पैसे दूंगा और तू अपना 5 ईयर प्लान चलाएगा। मैं कुछ नहीं जानता मालिक, मैं तो इधर आना ही नहीं चाहता था, ये यही मुझे लेकर आया यहाँ पर। चलो नहीं देंगे। अरे रुको, क्यों नहीं देंगे,
पहले धोखेधड़ी से बुड्ढे का सब हथिया लिया और अब देखती हूँ कैसे नहीं देते। झाड़ू मारकर मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ये आदमी तुझे धोखेबाज दिखाई देता है। धोखा नहीं दिया तो फिर 7 लाख की जायदाद गवाकर सिर्फ 6,000 के लिए आज मैं आपके सामने हाथ की फिराड़ पर रहे। छी 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 छी, ये क्या बदतमीजी कर रही हो है? जबान दराजी के जा रही हो? तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तुम चुप रहो जी। और ये रहा दस्तावेज, कहीं नहीं लिखा कि बुड्ढे को ही आना पड़ेगा। आना पड़ेगा और हर बार उसे सबूत देना पड़ेगा कि वो जिंदा है। अजी कहाँ चलो तुम? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि बुड्ढा मर गया और बुड्ढे की लाश छुपाकर ये दोनों आ गए हैं? हाँ, साला 420 लाश छुपाकर यहाँ पर आया है इसके पैसे हत्याने के लिए है। बुड्ढा मर गया। अरे देखो कैसे भाग रहे हैं। और देखो कैसे भाग रहे हैं। अरे बुड्ढा मर गया। अरे बुड्ढा मर गया। 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 पैसे दे। कौन? मैं बादशाह, बादशाह कापाली। बादशाह कापाली? लेकिन तुम तो छाती जकड़ने की वजह से मर ही गया था। को बहुत तेल लेकर मालिश कर रही थी कि तभी फड़ाक फड़ाक मुझे लगा कि मेरे प्राण वाय निकल ही गए। देखा तो गले से बलगम डाला निकल गया। और तू उठकर खड़ा हो गया। सब आपकी कृपा है मालिक। हाथ में स्वस्थ हो गया हूँ, थोड़ी अच्छा खा पी रहा हूँ ना। अब हम इतने आसानी से थोड़े निकलने वाले हैं। टोपी खरीदी, ये दस्ताने खरीदे, नहीं तो ऐसी ठंड में हिलडुल थोड़े सकता था हमारे, और यहाँ थोड़े आ सकता था। मालिक रुपए देंगे? हाय हाय क्या अंधेर करती। आज तक आप लोग ही लोगों के दरवाजे पर गए और लोगों ने रुपए दिए और हाँ अपने लिए लेंगे। हाय हाय चिंता मत कीजिए मालिक, अगले महीने फिर आऊंगा। ये अंधेर घटती धरती माता बर्दाश्त नहीं करेंगी। मौत की घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। बस एक महीने की हो लीजिए मालिक। नहीं नौकू, नौकरी बेटे, इसे मत छोड़ना। इस किसान के पट्टे की नेचुरल डेथ नहीं होगी।